नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज देखने वाले यहां पर बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए हो जाता है हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8, ठीक है, जिसमें हमने इससे पहले जो 7 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रखे हैं उसमें हमने क्या देख रखा है, उसमें हमने गुलाम खिलजी को देख लिया है, गुलाम वंश और खिलजी वंश देख लिया। अब हम क्या देखने वाले हैं, तुगलक वंश को देखने वाले हैं, ठीक है। तो गुलाम वंश की बात करते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो वह हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। उसका अंतिम शासक कौन हो जाता है, वह हो जाता है कैकुबाद। अगर बात करते हैं खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, तो खिलजी वंश का जो प्रथम शासक हो जाता है वो हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक। अगर प्रसिद्ध शासक पूछता है खिलजी वंश का, तो वो हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। यही बात करते हैं अंतिम शासक की बात करते हैं, तो वह हो जाता है नसरुद्दीन ससुरो शाह। कौन? ससुरो शाह, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर गुलाम हो गया, तुगलक हो गया, अब उसके बाद कौन आएगा, खिलजी वंश आएगा। तो हम क्या देखने वाले हैं, खिलजी वंश वाले देखने वाले हैं। एक बार रिपीट कर दूं, कौन कौन से वंश हमारे आते हैं, सबसे पहले गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ये याद करोगे तो आराम से याद हो जाएगा 4 से 5 बार। तो गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। तो हम क्या देखने वाले हैं, हमने गुलाम वंश देख लिया, खिलजी वंश देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, तुगलक वंश को देखने वाले हैं, ठीक है। और फर्स्ट यूनिट जो हमारी समाप्त हो चुकी है गुलाम पर और खिलजी पर, अब हम क्या देखने वाले हैं, तुगलक वंश देखेंगे, जो कि यूनिट नंबर हमारा क्या होगा, सेकंड, यहां से स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक के प्रारंभिक जीवन एवं उसकी गृह नीति का वर्णन कीजिए। जो गयासुद्दीन तुगलक था, तुगलक वंश का प्रथम शासक था, इसको आपको प्रारंभिक जीवन के बारे में बताना है एवं इसकी गृह नीति का वर्णन करना है। या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक के प्रारंभिक जीवन एवं विदेश नीति का वर्णन कीजिए। बात वही है, अगले देखते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपको घुमाकर, जैसे कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक मात्र एक सैनिक विजेता था। कौन था? मात्र एक सैनिक विजेता था, ना कि एक कुशल शासक। इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है, इसकी व्याख्या कीजिएगा। या क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की उपलब्धियों का प्रकाश डालिएगा, ठीक है। तो उपलब्धियों का प्रकाश डालिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। मतलब हमारे एग्जाम में इस टाइप से इस क्वेश्चन को देखा गया है, मतलब एग्जाम ने इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ रखा है, एक क्वेश्चन को अधिक प्रकार से, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं। तो सारे जो सभी दे रखे हैं यहां पर, सभी की जो मतलब होगा वो एक ही हो जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे उत्तर की ओर, उत्तर की यहां पर बात करते हैं। तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या डालना है, तुगलक वंश लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, तुगलक वंश, हमारी हेडिंग जो होगी सबसे पहले क्या रहने वाली है, तुगलक वंश रहने वाली है। और मैंने आपको बता रखा है, जब हम किसी क्वेश्चन को उत्तर की ओर लिखते हैं तो हम कॉपी में क्या करते हैं, कॉपी में उत्तर लिखकर, ठीक है, उसके बाद एक बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें प्रथम शासक, तो क्या लिखेंगे, तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन हो जाता है, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। उसके बाद तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन हो जाता है, तो वह हो जाता है कौन, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। कौन हो जाता है, नसरुद्दीन अहमद शाह, है ना, नसरुद्दीन महमूद होगा अंतिम। प्रथम कौन हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक हो गया, ठीक है। और अंतिम जो हो जाता है, अंतिम कौन है, अंतिम है नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। ये दोनों हमें कहां लिखना है, बॉक्स में लिखना है, ठीक है, बॉक्स में लिखना है, जो कि एग्जामिनर समझे कि हां भाई ये बंदा कुछ ना कुछ जानता है, ठीक है। तो मतलब प्रथम है और अंतिम है, ये तो आपको बॉक्स में लिखना ही लिखना है। और कुछ जो हेडिंग बाकी देखने को मिल सकती है कि हम यहां पर लिख सकते हैं, वो भी आपको यहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं फटाफट उत्तर की ओर। उत्तर में हमने क्या डाल दिया, बॉक्स बनाकर प्रथम शासक और अंतिम शासक को लिख दिया। अब हम पढ़ते हैं आगे की ओर। 1320 ईस्वी में गाजी तुगलक, इसका पूरा नाम कौन था, गाजी तुगलक था, सुल्तान बनने से पहले। तो 1320 ईस्वी में गाजी तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी थी। तुगलक वंश की नींव, या फिर कह सकते हैं तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, वह हो जाते हैं गयासुद्दीन तुगलक, या फिर गाजी तुगलक भी इनके नाम से जाने जाते हैं।
वह इतिहास में गयासुद्दीन के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब क्वेश्चन बन सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम कौन सा है, तो मूल नाम हो जाता है गाजी तुगलक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यह दे रखा है, राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात गयासुद्दीन तुगलक को अनेक कठिनाइयों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ा। राज्य के विभिन्न भागों में विद्रोह हो रहे थे, राज्य के विभिन्न भागों में क्या हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे। इन विद्रोह में सिंध के शासक, इन विद्रोह में कहां के शासक, सिंध के जो शासक थे अमर ने, और सिंध के शासक जो अमर था उसने थप्पा पर अधिकार कर लिया। कहां पर अधिकार कर लिया था, थप्पा पर अधिकार कर लिया था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, यहां पर पढ़ रहे हैं गुलाम खिलजी तुगलक। क्या पढ़ रहे हैं, तुगलक। तुगलक से पहले कौन था, खिलजी वंश। और खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन सुसरो शाह था ना, उसी की बात यहां पर हो रही है। जैसे ही नसरुद्दीन कौन था, एक अयोग्य शासक था। कैसा था, एक अयोग्य शासक था। इसी अनुसार अदरवाइज जो हो कह सकते हैं राजा महाराजा थे, वह क्या कर रहे थे, सल्तनत पर आक्रमण कर रहे थे। ठीक है, वही बात हो रही है कि जो शासक अमर था उसने ठप्पा पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया, और वह स्वतंत्र हो गया था। और वह क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अधिकार किया था खिलजी वंश में। ठीक है, और ये उसके बाद अमर ने ठप्पा पर अधिकार किया और वह क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया था। गुजरात में अशांति और व्यवस्था थी, गुजरात में क्या थी, अशांति थी और अव्यवस्था थी। ठीक है, चित्तौड़, नागौर और जालौर के प्रदेश तुगलक शासक के भाग थे। किसके थे, तुगलक सुल्तान, सॉरी, जो तुगलक सुल्तान थे गयासुद्दीन तुगलक, उनके क्या थे, ये भाग थे। परंतु राजपूत सरदार उन पर बार बार आक्रमण कर रहे थे। बंगाल का जो था कौन था, शमसुद्दीन फिरोज। कौन था बंगाल का, बंगाल का उस समय हो जाता है शमसुद्दीन फिरोज, तथा उसके पुत्रों में गद्दी के लिए झगड़े हो रहे थे। कहां पर, बंगाल में। ठीक है, और बंगाल में किसने बनाया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें बनाया था। तो बात करते हैं बंगाल में शमसुद्दीन फिरोज और उनके पुत्रों में गद्दी के लिए झगड़े हो रहे थे। दक्षिण भारत के शासक भी स्वतंत्र होकर अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे। जो दक्षिण भारत में जो राज हो जाते हैं, ठीक है, दक्षिण भारत में जो शासक हो जाते हैं, वे भी क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो चुके थे और अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे। इस सब के अतिरिक्त शासन प्रबंधन में जो हो जाता है खुसरो शाह, कौन हो जाता है, खुसरो शाह की मूर्खतापूर्ण कार्यों के परिणाम स्वरूप वित्त और व्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी थी। खुसरो शाह कौन है, वही है सुसरो शाह, खुसरो शाह, बात एक ही हो जाती है। नसरुद्दीन खुसरो शाह भी कह सकते हैं, नसरुद्दीन सुसरो शाह भी कह सकते हैं, कभी कभी सुसरो भी आपको देखने को मिलेगा, जो था खिलजी वंश का अंतिम शासक। ठीक है, वही बात मैं वहां पर कह रहा था। अगर आप मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके अगर आप कंटिन्यू बने रहोगे क्लास में, तो आपको सारा की सारा समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं खुसरो शाह के मूर्खतापूर्ण, क्योंकि एक ऐसा था, एक अयोग्य शासक था, इसकी मूर्खतापूर्ण कार्यों के परिणाम स्वरूप वित्त व्यवस्था बहुत ही बिगड़ चुकी थी। इस प्रकार गयासुद्दीन के समक्ष समस्याएं बहुत जटिल हो गई थी, है ना। जब भाई खुसरो शाह कौन था, खिलजी वंश का अंतिम शासक था, इसकी मूर्खतापूर्ण कार्य के अनुसार क्या हो गई थी, वहां की जो वित्त व्यवस्था थी वो क्या हो गई थी, बिगड़ गई थी। इस प्रकार गयासुद्दीन के समक्ष समस्याएं बहुत जटिल हो चुकी थी। गयासुद्दीन ने सभी कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए असाधारण साहस और योग्यता का प्रदर्शन किया। किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। देखो, इन्होंने खुसरो शाह को नहीं मारा था, गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह को नहीं मारा था। उसने बस, क्योंकि कैसा था, ये एक मूर्ख था, ऐसा शासक था, ये एक मूर्ख शासक था। इसने अपने यहां का जो कह सकते हैं वित्त व्यवस्था थी बहुत ही बिगड़ चुकी थी। फिर कौन आए, फिर यहां पर आए, इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक के समक्ष समस्याएं बहुत जटिल हो गई, क्योंकि तुगलक वंश की यहां से स्थापना हो रही है, नींव पड़ रही है। गयासुद्दीन ने सभी कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए साधारण साहस, असाधारण साहस और
योग्यता का प्रदर्शन किया, किसका योग्यता का प्रदर्शन किया। वह अपने उत्साह, तीक्ष्ण बुद्धि, दृढ़ संकल्प और प्रशंसा गुणों के कारण अधिकतर समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सफल हुआ। और किसकी नींव पड़ी, नींव पड़ गई भाई तुगलक वंश की, नींव किसकी पड़ी, नींव पड़ी इस प्रकार से तुगलक वंश की नींव, ठीक है, नींव किसकी पड़ी, तुगलक वंश की नींव डाली गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक की गृह नीति। ऊपर हमने हेडिंग क्या डाली थी, तुगलक वंश डाला था, ध्यान रखना, हेडिंग क्या डाली, तुगलक वंश नहीं थी फिर भी हमने डाली थी, ठीक है। अब बात करते हैं गृह नीति के बारे में, गयासुद्दीन तुगलक की गृह नीति जो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो बात करते हैं, पहली जो गृह नीति हो जाती है वो हो जाती है शासन प्रबंधन, अपने शासन का प्रबंधन करना, ठीक है। तो बात करते हैं, सुल्तान बनने के पश्चात गयासुद्दीन ने अन्य तुर्क सरदारों एवं अधिकारियों को क्या जागीरें देकर, जो कि जो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, उसने उन जो तुर्क सरदार थे उनसे जागीरें छीन ली थी, ठीक है, जो जागीरें छीन ली थी। कर के अनुसार जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने क्या कर दी, तुर्क सरदारों को एवं अधिकारियों को जागीरें देकर, जागीरें क्या कर दी, वापस कर दी, तथा इन्हें पदोन्नत करके अपने पक्ष में कर लिया। जो कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पक्ष में नहीं थे क्योंकि उनकी जागीरों को हड़प लिया था और उन्हें पद से च्युत कर दिया था, उसी प्रकार से यहां पर उल्टा किया किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है, अपने पक्ष में कर लिया। कई सरदारों की भूमि अलाउद्दीन खिलजी, देखो यहां पर कह रहा है कई सरदारों की भूमि जो थी अलाउद्दीन खिलजी के समय छीन ली गई थी, अब उन्हें वापस कर दी गई, जिससे वे लोग संतुष्ट हो गए, जिससे क्या हो गए, संतुष्ट हो गए और सुल्तान के समर्थक बन गए। इसके साथ ही गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पूर्व खुसरो शाह खिलजी, कौन था, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक हो जाता है, नसरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी इसका पूरा नाम हो जाता है, के समर्थक में, समर्थकों की जो जागीरें थी, जो खुसरो शाह खिलजी के समर्थक थे उनकी जो जागीरें थी उनको क्या कर लिया, जब्त कर ली और उन्हें उच्च सरकारी पदोन्नति से भी क्या कर दिया, वंचित कर दिया, क्योंकि वह सब मूर्ख थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरा हो जाता है हमारा, वह हो जाता है मतलब इनका जो गृह नीति के अनुसार, ठीक है, दूसरी गृह नीति में इन्होंने क्या क्या संभाला, बात करते हैं कृषि एवं कृषकों की व्यवस्था में सुधार किया, इसके कृषि और कृषक जो थे उनकी अव्यवस्था में भी क्या किया गया, सुधार किया गया, क्योंकि गृह नीति की बात यहां पर हो रही है, ठीक है। तो बात करते हैं सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि एवं कृषकों की अव्यवस्था जो थी उसमें सुधार करने की ओर विशेष ध्यान दिया। उसने अलाउद्दीन खिलजी के समय कि पैमाइश प्रणाली समाप्त करके, जो पैमाइश प्रणाली थी उसकी, उसको समाप्त कर दिया गया था और अपनी एक प्रणाली निकाली थी, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय कि पैमाइश प्रणाली समाप्त करके बटाई प्रणाली, अगर क्वेश्चन पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी को की कौन सी जो जमीन नापने वाली प्रणाली थी वो कौन सी थी, वो थी पैमाइश प्रणाली। और अलाउद जो हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक ने पैमाइश प्रणाली को खत्म करके कौन सी, बटाई प्रणाली को प्रचलित किया, ठीक है। इससे किसानों की उपज में वृद्धि का लाभ जो था वो मिला, है ना, इससे क्या मिला, जब प्रणाली समाप्त कर दी, ठीक है, और कटाई प्रणाली प्रचलित की, इससे किसानों की उपज में वृद्धि का लाभ मिला तथा किस कारणवश पैदावार ना होने की सूरत में, अगर किसी कारणवश पैदावार नहीं होती है, अगर यह सूरत देखने को मिलती है, में वे सरकार को भूमि कर देने से बच गए। यहां पर भी भूमि कर हटा दिया किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। आगे देखते हैं, सुल्तान ने किसानों की भूमि कर कम करके उपज का कितना कर दिया, वह कितना ले रहा था अलाउद्दीन खिलजी, वो ले रहा था 1/2, मतलब 2 में से आधा भाग, वह तो आधा भाग ले जाता था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, मगर जो गयासुद्दीन तुगलक आया, तुगलक वंश की स्थापना की, इसने किसानों पर कितना कर लगाया, ओनली 1/5, मतलब 5 अगर
किलो आप पैदा कर रहे हो तो हम सिर्फ कितना लेंगे, आपसे 1 किलो लेंगे, मतलब एक भाग लेंगे, भाग निश्चित कर दिया, भाग निश्चित कर दिया। कहां पहुंच गए? हाँ ठीक है, सुल्तान ने अधिक से अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाने की सराहनीय प्रयत्न किए कि अधिक से अधिक जो जो भूमि है वो कृषि योग्य बन सके। किसानों को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या नहरें खुदवाई गईं, और परिणाम स्वरूप जो गांव उजड़ गए थे वे फिर से बसाए गए, किसके? गयासुद्दीन तुगलक के अनुसार। सुल्तान की कृषि नीति में सरकार की आय में वृद्धि के साथ किसानों की दशा भी सुधार हुआ, है ना, किसानों की दशा में भी क्या हुआ? सुधार हुआ। क्योंकि भाई जहां पर अलाउद्दीन खिलजी 1/2 ले रहा था, वहां पर गयासुद्दीन तुगलक कितना लेने लगा? 1/5 लेने लगा। ठीक है, और जो सिंचाई की जहां पर उपलब्ध नहीं था, पानी उपलब्ध नहीं था, वहां पर क्या किया इसने? नहरें खुदवाई। ठीक है, और किसानों पर जो कर थे उनको भी हटा दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मतलब बहुत ही कम कर लगाया गया, हटाया तो नहीं, कोई कम कर लगाया गया। ठीक है, और जो गांव उजड़ गए थे उनको दोबारा से बसाया गया। ठीक है, बात करते हैं तीसरी जो गृह नीति हो जाती है, वह हो जाती है न्याय व्यवस्था। क्योंकि भाई जब राज्य होगा तो न्याय व्यवस्था यहां पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि लड़ाई झगड़े होंगे, तो वहां पर दूसरा जो हमारी हेडिंग हो जाती है तीसरी, वो हो जाती है न्याय व्यवस्था। गयासुद्दीन ने कुशल न्याय व्यवस्था की पुनः स्थापना की, किसकी? जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने दंड बहुत ही कठोर देने की क्या की थी, व्यवस्था की थी, न्याय व्यवस्था की थी, उसी प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक जो गयासुद्दीन हो जाते हैं ने कुशल न्याय व्यवस्था की पुनः स्थापना की, लोगों के साथ फिर से पूर्ण न्याय की व्यवस्था की गई। कैसे? दोबारा से फिर से पूर्ण न्याय की व्यवस्था की गई। सुल्तान ने किसानों तथा अन्य लोगों से सरकारी ऋण वसूल करने के समय यातनाएं अथवा शारीरिक कष्ट देने पर प्रतिबंध लगा दिया। अगर कोई भी सुल्तान क्या कर रहा है, कोई भी किसान या फिर अन्य लोग सरकारी ऋण वसूल करने के समय अगर यातनाएं करता है या फिर शारीरिक कष्ट देने पर प्रतिबंध लगाया गया, क्यों भाई आप कर लेने जाओगे तो किसी को भी सताने की जरूरत नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के समय के अत्यंत कठोर दंडों का गयासुद्दीन तुगलक ने, देखो जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने अत्यंत कठोर दंड लगाए थे, उसने क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने, सॉरी गयासुद्दीन तुगलक ने, उसने किया ने अपने समय में बंद कर दिए, जो कठोर दंड थे वो क्या कर दिए? बंद कर दिए। परंतु चोर और डाकू तथा सरकार को जो धोखा देने वाले हो जाते हैं, चोर डाकू तथा सरकार को जो धोखा देने वाले अपराधियों को यातनाएं सहित दंड देने की प्रथा जारी रखी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो गृह नीति हो जाती है वो न्याय व्यवस्था देखने को मिलती है, किसके? अलाउद्दीन खिलजी के बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं चौथा जो गृह नीति हो जाती है वह हो जाती है यातायात में सुधार। आने जाने की जो रास्ताएं वगैरह होती है उनमें भी आपको सुधार देखने को मिला है यहां पर। ठीक है, तो बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में यातायात के साधनों में भी सुधार हुआ, सड़कों नहरें पुलों का निर्माण किया गया। ठीक है, एक हेडिंग हमारी क्या हो जाती है, यातायात में सुधार, क्योंकि राज्य होगा, साम्राज्य होगा, तो वहां पर आने जाने के रास्ते होंगे ना, बिल्कुल बनाए जाते हैं, वरना कहां से निकलोगे, है ना। तो इस प्रकार से सड़कों का, नहरों का और पुलों का निर्माण किया गया। बात करते हैं गृह नीति के अनुसार जो पांचवी हेडिंग हमारी हो जाती है वह हो जाती है डाक व्यवस्था में सुधार। जो डाक व्यवस्था थी उसमें भी यहां पर देखने को सुधार मिला। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के समय डाक व्यवस्था की विशेष रूप से बहुत उन्नति हुई। गयासुद्दीन तुगलक के समय जो डाक व्यवस्था थी बहुत ही उन्नति पर पहुंची, चरमों तक पहुंची, कह सकते हैं कि घोड़ों और जो हरकारों होते हैं, हरकारों, ठीक है, घोड़ों तथा हरकारों, आप सिर्फ घोड़ों ही लिख सकते हो, घोड़ों आदि, ठीक है, द्वारा डाक को शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता था। यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय से 100 मील तक, उस समय में 100 मील की दूरी लगभग 12 घंटे में डाक पहुंच जाती थी। 100 मील तक कितने घंटे में? ओनली 12 घंटे में वह डाक पहुंचा दिया करते थे। आगे बढ़ते हैं,
गृह नीति के अनुसार जो हमारी छठी हेडिंग हो जाती है वो हो जाती है सैनिक प्रणाली में सुधार। अब ये साम्राज्य है तो साम्राज्य की रक्षा करने के लिए सैनिक भी होंगे, है ना। तो इस प्रकार से यहां पर हेडिंग हमारी हो जाती है छठी, गृह नीति। ठीक है, गृह नीति में सुधार कौन सा किया गया, सैनिक प्रणाली में सुधार देखने को मिलता है। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने समय की सैनिक प्रणालियों में सुधार की और उचित ध्यान दिया। सुधार सैनिकों की जो प्रणाली थी उसमें कुछ ज्यादा ही कह रहा ना, सुधार की ओर उचित ध्यान दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने शक्तिशाली सेना गठित की थी, इसने खिलजी वंश के अनुसार जो प्रसिद्ध शासक था खिलजी वंश में कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने शक्तिशाली सेना गठित की थी और मंगोलों से अपने राज्य की रक्षा की थी और अपने साम्राज्य का भी विस्तार किया था। परंतु उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों के समय सैनिक प्रबंध बिगड़ गया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी था उस समय जो उसके अयोग्य होते हैं, अयोग्य उत्तराधिकारी जो होते हैं उनके अनुसार जो सैनिक जो कह सकते हैं सैनिक प्रबंधन था वो बिगड़ गया था। किसके, अलाउद्दीन खिलजी के समय, तभी तो तुगलक वंश की स्थापना यहां पर होती है। अब बात करते हैं गयासुद्दीन, जो स्वयं अनुभवी एवं उच्च कोटि का सेनानायक था। जो गयासुद्दीन तुगलक था वो कौन था, एक अनुभवी एवं उच्च कोटि का सेनानायक था, ने सेना को पुनः संगठित किया जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसने अलाउद्दीन द्वारा प्रचलित की गई घोड़ों को दागने की प्रथा किस दिलाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। आपको पता है, आपको मैंने बताया भी है कि एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से बन सकता है। सैनिक का हुलिया ये सारे के सारे किसने रखे हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने ही चला रखे हैं। यहां कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित की गई घोड़ों को दागने तथा सैनिकों को हुलिया दर्ज करने की प्रथाओं को कठोरता से लागू किया, मगर जो अलाउद्दीन खिलजी था वो कठोरता से लागू नहीं कर सका। क्योंकि क्यों नहीं कर सका, क्योंकि वहां पर कह सकते हैं उसके जो यहां पर दे रखा है कहीं, अब रुकेगा, वहां के जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे उनके अनुसार सेना में गड़बड़ी देखने को मिली। मगर इन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रचलित की गई जो घोड़ों की दागने की प्रथा थी तथा सैनिकों का हुलिया दर्ज करने की प्रथाओं में कठोरता से, कैसे, कठोरता से लागू किया था। साथ ही सुल्तान ने सैनिकों को अनुशासन के नियमों का पालन कराने का आदेश दिया और सैनिकों की अवस्था को भी सुधारने के प्रयत्न किए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर हमने देख लिया सैनिक प्रणाली में सुधार, जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी में कुछ कमियां देखी गई थी उनको इन्होंने दूर किया। ठीक है, तो यहां पर हमारी जो गृह नीति हो जाती है, गृह नीति में सुधार के अनुसार हमने 6 यहां पर हेडिंग देखी है। आप अगर 4 भी लिखाओगे तो आपके एग्जाम में काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यहां पर हम अलाउद्दीन खिलजी की विदेश नीति। अब तक हमने क्या देखी, गृह नीति के बारे में देखा, अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी की, सॉरी गयासुद्दीन तुगलक की, है ना, गयासुद्दीन तुगलक की विदेश नीति के बारे में। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक एक साम्राज्यवादी था। कौन था, एक साम्राज्यवादी था। वह अधिक से अधिक प्रदेशों को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करना चाहता था, कि जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के समय, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी था उस समय उसने बहुत विस्तार किया था, मगर जब नसरुद्दीन खुसरो शाह आया था तब बहुत सारे राजाओं ने, ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य था उसको हड़प कर अपने अधीन कर लिया था। वही बात यहां पर हो रही है कि गयासुद्दीन तुगलक एक साम्राज्यवादी शासक था, वह अधिक से अधिक प्रदेशों को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करना चाहता था जो उससे दूर हो चुके थे। उसकी विदेश नीति उन राज्यों के अधीन करने की थी, यहां कह रहा है उनकी जो विदेश नीति थी उन राज्यों को अपने अधीन करने की थी जो खुसरो शाह खिलजी को दुर्बलता के कारण, किसके, खुसरो शाह खिलजी, वही हो जाता है नसरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी जो खिलजी वंश का अंतिम शासक हो जाता है, कि दुर्बलता के कारण दिल्ली से अधिपत्य से मुक्त हो गए थे, है ना। वही मैं यहां पर कह रहा हूं, अलाउद्दीन जो गयासुद्दीन तुगलक था उन्हीं को दिल्ली सल्तनत मिलाना चाहता था जो कि खिलजी वंश से दूर हो गए थे। ठीक है, वही दे रखा है जो मुक्त हो गए थे, परंतु वह अब अकेले उन्हें पुनः अधीन करने से ही संतुष्ट नहीं हो सकता था, अपितु उनके प्रदेशों को सल्तनत में मिलाने की भी अभिलाषा थी।
जिसने उन्हें हड़प रखा था, अब सिर्फ उनको ही हड़पना इसका मकसद नहीं था, इसका मकसद हो जाता है कि उनकी भी सल्तनत को अपने अंदर, अपनी सल्तनत में मिलाया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं विदेश नीति में पहली जो हेडिंग हो जाती है विदेश नीति के अनुसार, वो हो जाती है कौन सी, वारंगल के शासक के विरुद्ध अभियान। कहां के, वारंगल के शासक के विरुद्ध अभियान चलाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। जो देख देख सकते हो आप, सुल्तान ने 1321 ईस्वी में वारंगल के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी नाम तो आपको याद करना पड़ेंगे कि वारंगल के जो शासक कौन हो जाते हैं, वह हो जाते हैं प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध अपने ज्येष्ठ पुत्र, इसका गयासुद्दीन तुगलक का श्रेष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, श्रेष्ठ पुत्र या फिर ज्येष्ठ पुत्र जूना खां। आप क्वेश्चन बन सकता है कि जूना खां किसका पुत्र था, वो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, जिसे क्या कहते थे, उलूक खां भी कहा जाता था। जूना खां का नाम क्या था, उलूक खां भी हो जाता है। ठीक ठीक है, जूना खां जिसे उलूक खां की उपाधि दे दी गई थी, के नेतृत्व में अभियान भेजा, आक्रमणकारियों के ने वारंगल के दुर्ग को घेर लिया, किसके, जो वारंगल का दुर्ग था उसको घेर लिया, और प्रताप रुद्रदेव के, प्रताप रुद्रदेव ने आक्रमणकारियों को प्रबल विरोध किया, क्योंकि तो भाई उसके सत्ता में घुसोगे तो विरोध तो करेगा ही। उसी प्रकार से प्रताप रुद्रदेव ने भी आक्रमणकारियों का प्रबल विरोध किया और उन्हें दिल्ली आने जाने के मार्ग जो था वो बंद कर दिया। जो दिल्ली का आने जाने का मार्ग था वो किसने, प्रताप रुद्रदेव ने बंद कर दिया। 5 मास की घेराबंदी, जो 5 महीना था उसका घेराबंदी के पश्चात प्रताप रुद्रदेव और उसके संबंधियों को बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया गया, किसके, उलूक खां उफ जूना खां के नेतृत्व में। इस अभियान में उलूक खां ने वारंगल का दुर्ग गुट्टी कुट तथा मावार के प्रदेशों को भी जीत लिया। कहां के, मावार तक के प्रदेशों को जीत लिया। तेलंगाना के समस्त प्रदेशों को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया गया, ये तेलंगाना में पड़ता है। तेलंगाना के समस्त प्रदेशों को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया गया। वारंगल को सुल्तानपुर का नया नाम दिया गया। अब क्वेश्चन बन सकता है कि वारंगल को सुल्तानपुर का नाम किसने दिया था, तो वो दिया था जूनागढ़ उर्फ उलूक खां ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तेरंगला से लौटते समय उलूक खां उर्फ जूना खां ने उड़ीसा में स्थित उत्कल, कहां, उड़ीसा में, जो उड़ीसा में एक हो जाता है उत्कल, अथवा इसको कहते हैं जामनगर के शासक भानुदेव द्वितीय, कौन, भानुदेव द्वितीय, जो कि प्रताप रुद्रदेव के दोस्त थे, कह सकते हैं साथी थे। ठीक है, जिन्होंने प्रताप रुद्रदेव से, प्रताप रुद्रदेव की तरफ से जूना खां से लड़ाई मोल ली थी। ठीक, कह सकते हैं कि यहां दे रखा है, पढ़ेंगे दोबारा क्योंकि आपको समझ में आए। तेलंगाना से लौटते समय उलूक खां ने उड़ीसा में स्थित तत्कल और उत्कल अथवा जामनगर के शासक भानुदेव द्वितीय के विरुद्ध कार्यवाही की, किसके, भानुदेव द्वितीय के विरुद्ध कार्यवाही की, क्योंकि उसने प्रताप रुद्रदेव की सहायता की थी, है ना, क्योंकि उसने वारंगल के जो हो जाता है वारंगल का शासक कौन, प्रताप रुद्रदेव की क्या की थी, सहायता की थी। उसने भानुदेव की सेना को बुरी तरह पराजित किया और लूटमार में शत्रुओं के कई हाथी और धन दौलत प्राप्त कर उलूक खां दिल्ली वापस लौट आए। ठीक है, तो यहां पर जो हो जाता है वो हो जाता है वारंगल का युद्ध। ठीक है, तो यहां पर कौन थे, वारंगल के जो हो जाते हैं शासक वो हो जाते हैं प्रताप रुद्रदेव, और उनके शासक जो हो जाते हैं वो जाते हैं भानुदेव द्वितीय, जो कहां के हैं, जामनगर से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर ये विदेश नीति यहां पर चल रही है। दूसरी जो विदेश नीति हो जाती है वह हो जाती है यहां पर मंगोलों के विरुद्ध अभियान, क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी था तो मंगोल क्या कर रहे थे, बार बार आक्रमण कर रहे थे। तो अब यहां पर गयासुद्दीन तुगलक ने क्या कहा, यहां इन्होंने मंगोलों के विरुद्ध एक अभियान चलाया। ठीक है, तो बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने 1324 ईस्वी में उत्तर पश्चिम भारत के प्रदेशों पर आक्रमण कर दिया। कब किया, 1324 में गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में उत्तर पश्चिम, आपको पता है
ये है उत्तर, ये पश्चिम, इस राज्य में क्या कर दिया, क्योंकि दिल्ली यहीं पर है ठीक है, तो उत्तर पश्चिम राज्य में क्या कर दिया इन्होंने, आक्रमण कर दिया, किसने, मंगोलों ने। समाना के जो सूबेदार थे कौन, गुरसप द्वारा सूचना भेजे जाने के, भेजे जाने पर जो समाना है, यहां पर क्या है, समाना ठीक है, समाना के जो सूबेदार थे गुरसप द्वारा, समाना के सूबेदार गुरसप द्वारा सूचना भेजाने पर सुल्तान ने गुरसप की सहायता के लिए मलिक जो शादी थे, कौन थे, मलिक जो शादी थे के नेतृत्व में सेना भेज दी, किसके, मलिक शादी के नेतृत्व में क्या कर दी, गयासुद्दीन तुगलक ने सेना भेज दी, मुगलों को बुरी तरह पराजित किया गया और कई मुगलों को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या हो जाता है, मंगोलों के विरुद्ध अभियान हो जाता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाती है विदेश नीति, वो हो जाती है हमारी बंगाल अभियान। अब कौन सा आ जाता है यहां पर, बंगाल अभियान देखने को मिलती है, थर्ड हमारी हेडिंग है विदेश नीति के अनुसार। बहादुर शाह बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया था, जो बहादुर शाह था वह क्या बन गया था, बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया था, और उसने अपने नसरुद्दीन को राज्य से निकाल दिया था। कौन हो जाता है नसरुद्दीन, वही नसरुद्दीन, नसरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक हो जाता है, ठीक है। तो यहां देखा है बहादुर शाह बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया था और उसने अपने नसरुद्दीन को, जो उसका नसरुद्दीन था, उस बंगाल का जो शासक था नसरुद्दीन, उसको क्या हुआ, राज से निकाल दिया था। नसरुद्दीन ने सुल्तान से सहायता की मांग की, सुल्तान ने स्वयं विशाल सेना सहित, स्वयं मतलब खुद, खुद सुल्तान ने स्वयं विशाल सेना सहित बंगाल की ओर प्रस्थान कर दिया। लखनऊ तो लखनौती के निकट बहादुर शाह ने शत्रुओं का विरोध किया परंतु पराजित हुआ। जो लखनौती है वहां पर क्या किया, बहादुर शाह जो कि बंगाल का यहां पर स्वतंत्र शासक हो चुका था, उसने शत्रुओं का विरोध किया परंतु वह क्या रहा, पराजित रहा। बहादुर शाह सैनिकों सहित बंदी बना लिया गया। सुल्तान ने नसरुद्दीन के, नसरुद्दीन को कहां पर, लखनौती का शासक नियुक्त कर दिया। उसके बाद सुल्तान ने जो बंगाल का, जो बंगाल की लखनौती है वहां का शासक किसे नियुक्त कर दिया, नसरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी के लिए। उसने सुल्तान को आर्थिक धनराशि भेजने का वचन दिया, किसने, नसरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी ने गयासुद्दीन तुगलक को आर्थिक धनराशि भेजने का वचन दिया, ठीक है। अब ये हमारा हो जाता है बंगाल अभियान, भी हमने देख लिया, आगे भी कुछ हेडिंग इनको देख लेते हैं लाइनों के लिए। तो बंगाल से लौटते समय सुल्तान ने तिरहुत, कौन सा था, तिरहुत के राजा हर सिंह को पराजित कर अहमद खां को तिरहुत का शासक नियुक्त कर दिया गया। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से वापस दिल्ली की ओर आ रहा था तो उसने लौटते समय कहां पर, तिरहुत में, तिरहुत के राजा जो हरि सिंह थे ठीक है, को पराजित कर दिया और वहां का अहमद खां को तिरहुत का शासक नियुक्त कर दिया, ठीक है। जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स है आपको याद कर लेना, कोई बात नहीं, अगर ये आपको याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर याद होता है तो अच्छी बात है। अंत में कहा जा सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक एक सफल शासक था, वह एक वीर योद्धा और योग्य सेना नायक था जिसने विद्रोह का दमन किया और सुल्तानों का विस्तार किया। उसने कुशल शासक प्रबंधन की व्यवस्था की और विशेष रूप से किसानों की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। वह एक नेक दयालु और प्रशासनिक शासक था, मतलब न्यायप्रिय शासक था। तो यहां पर हमने क्या देखा, खत्म हो गया ना, बिल्कुल। तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने तुगलक वंश के कुछ प्रथम जो शासक हो जाते हैं उनके बारे में कुछ जाना कि नींव कैसे पड़ी तुगलक वंश की, तथा जो गयासुद्दीन तुगलक हो जाते हैं उनकी गृह नीति के बारे में और विदेश नीति के बारे में यहां पर कुछ ज्ञान हासिल किया, ठीक है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। और फ्रेंड्स यहां पर बता दें, लास्ट में लिख ही देते हैं जो कि आपको याद रहे, ठीक है। तो प्रथम शासक कौन था अभी हमने देखा है, तो तुगलक वंश का, ठीक है, तुगलक वंश का जो प्रथम शासक हो जाता है वो हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक।
और बात करते हैं अंतिम शासक कौन था, ये भी बनता है ना, अगर हम तीन चार बार याद करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। तो अंतिम शासक जो हो जाता है तुगलक वंश का, वह कौन हो जाता है, तो वह हो जाता है नसरुद्दीन, नसरुद्दीन, नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद। तो ये दो तीन बार हम लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाकर ठोकना है सभी के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स सभी के लिए जय हिंद जय भारत।